अस्सलाम वालेकुम, ये करोला है 2010 वाली, तो इसकी चेक लाइट आ रही है, इंजन चेक लाइट। इसको स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं इंजन चेक लाइट क्यों आ रही है। ये देखें, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, इंजन चेक लाइट फिर भी आ रही है, और इसके साथ इसका आरपीएम भी थोड़ा ऊपर रुका लेकिन फिर नीचे आ गया। वैसे हमने कनेक्ट कर दिया, हमारे पास लॉन्च की डिवाइस है, लॉन्च X431 प्रो GT, तो इसको फटाफट हम कनेक्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या फॉल्ट है इसके अंदर। ओके, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, शुरू करते हैं टोयोटा। ओके, गाड़ी में मसला ये कि चलते चलते बंद हो जाती है, झटके मारती है, घुटती है। 16 पिन नॉर्थ अमेरिका। ओके, कनेक्ट कर रहा है ये गाड़ी। ऐसे खड़ी तो बिल्कुल स्टार्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन चलाओ तो ये झटके मारती है। ओके, यस, ओके। तो हम इसको खुद सेलेक्ट करेंगे, ऑटो में ये ऑटो स्कैन नहीं कर रहा, तो हम इसको इस कनेक्ट करते हैं करोला। ओके, 2010 AZE विदाउट स्मार्ट की। ओके, तो वो कनेक्ट होता है, इसको चेक करते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे, ऑल सिस्टम इंजन, और यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको। रीड फॉल कोड ये देखें, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, DC वोल्टेज कैलिब्रेशन। तो इसका जो पेडल सेंसर है ये ख़राब है, इसको चेंज करेंगे तो फोड़ आपका क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से क्लियर करूँगा, चेक लाइट है अभी भी, मैं यहाँ से क्लियर करूँगा और यहाँ से क्लियर हो जाएगी, क्लियर, और ये चेक लाइट भी चली गई। इसका सेंसर, इसका ये पेडल ख़राब है, इसको चेंज करते हैं फिर सब ओके हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और ये इसका हमने पेडल चेंज कर दिया है, ये इसका नया पेडल लगाया है, इसको भी फिट नहीं करा, चेक करा है, और ये इसका पुराना पेडल है। ये देखिए, एक मिनट, ये लगा हुआ सही नहीं है, ज़बरदस्त। और ये चेक लाइट भी चली गई है, दरवाज़ा मैं यूं नहीं खोल रहा, शोर होता है बहुत। तो वीडियो को लाइक करें, थैंक यू, इंशाल्लाह आगे भी और वीडियोस आती रहेंगी। RPM भी देखें, खुद ही सेट हो गए।